हेलो गाइज, आप देख रहे हैं एफडी थॉट्स। मेरा नाम है रवि कुमार और गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग माइक्रो नीच का एक ब्लॉग बना के, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और जिस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, उस पर अगर आप लोग अपना माइक्रो नीच का ब्लॉग बनाते हैं, वहाँ पर अच्छा सा काम करते हैं 2 से 3 महीने, सो गाइज वहाँ पर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि श्योरली आप लोग अच्छी खासी अर्निंग जो है गाइज वहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि गाइज इस निच में आपको कंपटीशन ना मात्र का मिलेगा, मैं आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। और मैंने भी इस निच पे अपनी जो एक ब्लॉग है वो बनाया हुआ है और उसके गाइज 3 से 4 जो आर्टिकल्स हैं वो गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं। सो गाइज ये सारी जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सो आई होप कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और ऐसी ही वीडियोज देखते रहने के लिए गाइज आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें ब्लॉगिंग से रिलेटेड सारी वीडियोज आपको देखने को मिल जाती हैं। वहीं गाइज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब या ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं बेस्ट माइक्रो नीच ब्लॉग आइडिया इन 2020। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट यहाँ बना रहे। सो इसके लिए मैं आपको एचरेफ में लेके चलूंगा और देख सकते हैं गाइज मैं रेसिपी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कीवर्ड है फिश फ्राई, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर इसका कीवर्ड डिफिकल्टी सिर्फ 2 है। सर्च वॉल्यूम आपको 25,000 का मिलता है, क्लिक्स आपको 10,000 मिल जाते हैं, सीपीसी काफी अच्छी है। ऐसे ही गाइज मैं आपको 4 से 5 प्रूफ दिखाने वाला हूँ ताकि आप लोग इस पूरी वीडियो को देखें। देख सकते हैं एक और कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम 18,000, सीपीसी 0.70 है। वहीं साथ साथ गाइज एक और कीवर्ड जैसा कि देख सकते हैं टोमेटो राइस, इसका भी कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, सर्च वॉल्यूम हाई है, सीपीसी तो $1 के करीब का मिल रहा है। वहीं साथ साथ गाइज एक और कीवर्ड आप लोग देख सकते हैं चिकन पॉपकॉर्न, इसका भी कीवर्ड डिफिकल्टी 4 है, सर्च वॉल्यूम 4.5K है, अच्छे क्लिक्स मिल रहे हैं, सीपीसी भी अच्छी मिल रही है। और यहाँ पर जो लास्ट कीवर्ड है गाइज उसमें भी देख सकते हैं यहाँ पर आपको सर्च वॉल्यूम अच्छा मिल रहा है, सीपीसी अच्छा मिल रहा है और कीवर्ड डिफिकल्टी कम है। सो गाइज ये मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया और यहाँ पर आप लोगों को कैसे काम करना है, कैसे ब्लॉग बनाना है, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। सो गाइज जो सबसे पहला स्टेप है कि अपना जो ब्लॉग है वो स्टार्ट करें वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म पे। आज तक मैं आपको ब्लॉगर कहता था, बट गाइज आज से मैं आपको कहूंगा कि वर्डप्रेस पे अपना जो ब्लॉग है वो स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, आप लोगों को एसईओ सपोर्ट मिल जाता है, आपका जो भी कंट्रोल होता है अपने ब्लॉग पे आपके हाथों में होता है, आपको फ्री प्लगइन्स मिल जाते हैं जिसमें बहुत सारे अच्छे प्लगइन्स आपको देखने को मिलते हैं, यूजर फ्रेंडली होता है बिगनर्स के लिए। वहीं साथ साथ जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है वो गूगल में हाई रैंक करती है। तो गाइज ये सारे बेनिफिट्स हैं जिसको देखते हुए आप लोगों को वर्डप्रेस पे ही अपना जो ब्लॉग है उसे स्टार्ट करना चाहिए। अब अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को होस्टिंग और डोमेन परचेज करना पड़ेगा, जो कि बेनिफिशियरी है, जो कि मैंडेटरी है। तो इसके लिए आप लोग, अगर आप लोगों को डोमेन खरीदना है तो गोडैडी से अच्छी वेबसाइट आपको नहीं मिलेगी इंडिया में, क्योंकि गोडैडी गाइस ट्रस्टेड वेबसाइट है और इसके जो डोमेन्स है वो हाई लेवल के डोमेन होते हैं। वहीं साथ साथ अगर आप लोगों को होस्टिंग खरीदनी है तो A2 होस्टिंग पे खरीद सकते हैं, देख सकते हैं 63% का ऑफ चल रहा है और काफी चीप रेट्स में आपको जो होस्टिंग है वो भी मिल जाएगी, वो भी ट्रस्टेड होस्टिंग, और उसी के साथ साथ काफी ज्यादा फीचर्स भी मिल जाएंगे, जैसे फ्री SSL सर्टिफिकेट, 24/7 लाइव चैट सपोर्ट, अनलिमिटेड SSD स्पेस ट्रांसफर और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आपको ये होस्टिंग खरीदनी है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप लोग वहां से अपनी जो होस्टिंग है इसे खरीद सकते हैं। अब गाइज आपने होस्टिंग खरीद ली, वर्डप्रेस पे अपना ब्लॉग बना लिया, आप लोग सोच रहे होंगे कि कंटेंट के आइडियाज आपको कहाँ से मिलेंगे, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि कंटेंट के आइडियाज आप लोग बहुत जगहों से ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग यूट्यूब पे जाके जिस रेसिपी के बारे में लिखना चाहते हैं वो सर्च कर सकते हैं, जैसे आलू मटर रेसिपी मैंने सर्च किया तो बहुत सारे यहाँ पे वीडियोस आ गए। अब इन्हें देख के आप लोग कुछ जो मैंडेटरी पॉइंट्स हैं उन्हें ऐड कर सकते हैं और अपने शब्दों में लिख सकते हैं। देन इसके बाद गूगल में आप लोगों को कंटेंट आइडियाज के साथ साथ और भी काफी चीजें देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारे वेबसाइट्स पे आप विजिट कर सकते हैं जो कि रैंक कर रही हैं, उसमें क्या मिसिंग है उससे आप अपने वेबसाइट में रैंक करके उन वेबसाइट को बीट कर सकते हैं। तो गाइज कैसे आप लोगों को कंटेंट आइडिया मिलेगा वो भी मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पर भी आप लोग इसका फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज आप लोगों ने अपना ब्लॉग बना लिया, वहां पर कंटेंट आइडियाज भी आपको मिल गए। अब आप सोच रहे होंगे कि उस पर ट्रैफिक कैसे आएगा, तो ट्रैफिक लाने के लिए मैं आपको 3 मेन पॉइंट्स जो है वो बता देता हूँ। पहला है बैकलिंक्स क्रिएट करना। अब अगर आप लोगों को बैकलिंक्स क्रिएट करना नहीं आता तो आप लोग देख सकते हैं मैंने वीडियो अपलोड की है 50+ डू फॉलो बैकलिंक्स साइट लिस्ट। अब इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सारी जो बैकलिंक्स है 50+ डू फॉलो बैकलिंक्स है उसके जो लिंक दिए हुए हैं वहां पर जाके आप लोग अपना जो बैकलिंक्स है वो बना सकते हैं और अपने वेबसाइट को एक बूस्ट दे सकते हैं, जिससे आप लोग अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर सके और अपने आर्टिकल को रैंक करवा सके। वहीं साथ साथ गाइज आप लोगों को हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना होता है और वहीं साथ साथ कहीं से भी कॉपी नहीं करनी होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म ब्लॉगिंग की सोच रहे हैं और अगर आप लोगों को ट्रैफिक चाहिए तो यही 3 लेजिट वेज हैं जिसके जरिए आप लोग ट्रैफिक पा सकते हैं। और वहीं साथ साथ गाइज अगर आप लोगों को और ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए अपने वेबसाइट पे तो इसके लिए सिंपली यूट्यूब पे आके आप लोग लिख सकते हैं फ्री वेबसाइट ट्रैफिक एफटी थॉट्स,
तो आपके सामने बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी जो कि मैंने अपलोड की हैं, और इन्हें देख के आप लोग अच्छा खासा जो ट्रैफिक है अपने वेबसाइट पे ला सकते हैं। सो गाइज ये भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप लोग ट्रैफिक लाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप लोग अपने पोस्ट को गूगल में इंडेक्स करेंगे या किसी भी सर्च इंजन में इंडेक्स करेंगे। तो इसके लिए आप लोग गूगल सर्च कंसोल, वेब सबमिशन और बिंग वेब मास्टर टूल का यूज कर सकते हैं। तीनों के बारे में मैं आपको ब्रीफली बताने वाला हूँ। अब जैसे मैं बता देता हूँ कि आप लोग जितने भी सर्च इंजन है दुनिया में, सब में अपने आर्टिकल को कैसे, आपने किसी भी अपने वेबसाइट को कैसे सबमिट करेंगे। तो इसके लिए गाइज आप लोग किसी भी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जैसा कि ये वेबसाइट मैं आपको दिखा देता हूँ डेमो के लिए। इसमें विजिट करने के बाद आपको देख सकते हैं जितने सर्च इंजन है सब में आपका जो वेबसाइट है वो सबमिट हो जाएगी। सिंपली आपको अपने वेबसाइट का URL, नेम और एड्रेस डालना होगा और ये सबमिट हो जाएगी। अब इसी के साथ साथ गाइज अगर आप लोग गूगल में मैनुअली अपने साइट को सबमिट करना चाहते हैं तो गूगल सर्च कंसोल का यूज कर सकते हैं, और बिंग में सबमिट करना चाहते हैं तो विंग वेब मास्टर टूल का यूज कर सकते हैं। अब गाइज ये भी मैंने बता दिया कि कैसे अपने पोस्ट को इंडेक्स करेंगे। अब जो सबसे मेन चीज है गाइज कि मैंने भी इस रेसिपी वाले नीच पे अपना एक ब्लॉग बनाया हुआ है, और गाइज इस ब्लॉग के मैंने 4 आर्टिकल लिखे हैं जिसमें से 3 अपने गूगल के पहले पेज पे रैंक कर रहे हैं, जिसका प्रूफ मैं आपको दिखा दूंगा। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर माई रेसिपी वेबसाइट प्रूफ। अब मैंने यहाँ पर वेबसाइट का अपना जो आप प्रूफ दिखा देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर अभी blogspot.com के साथ भी ये गाइज ये जो वेबसाइट है वो रैंक कर रही है। तो सोच सकते हैं कितना ईजी है रेसिपी वाला जो माइक्रो नीच का ब्लॉग है वो बनाना है, और कैसे आप लोग इसे रैंक करवा सकते हैं। देख सकते हैं इसमें जो 3 से 4 आर्टिकल्स हैं गाइज वो गूगल के पहले पेज पर रैंक कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है। सो गाइज ऐसे ही आप भी अपनी रेसिपी वाली वेबसाइट बना सकते हैं, माइक्रो नीच ब्लॉग बना के अच्छी खासी जो अर्निंग है गाइज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने सारे टॉपिक्स जो है वो गाइज कवर कर दिए। सो मेक श्योर कीजिएगा कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू गाइज। गाइज वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब अगर आपको मेरे वेबसाइट से डू फॉलो बैक लिंक चाहिए तो उसके लिए आपको गेस्ट पोस्ट करना पड़ेगा, और गेस्ट पोस्ट करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको एक लंबा सा 800 प्लस वर्ड्स का गेस्ट पोस्ट करना है। अब ज़्यादा जानकारी के लिए आप राइट फॉर अस के सेक्शन में आ सकते हैं मेरी वेबसाइट पर विजिट करके। उससे पहले आप स्टेट्स देख सकते हैं, DAPA मेरे वेबसाइट का 18 और 30 है, स्पैम स्कोर 1% है, 1.5 से 2 साल पुरानी मेरी ये वेबसाइट है, एलेक्सा रैंक भी काफ़ी अच्छा है, और देख सकते हैं सारे स्टेट्स आपको मैंने दिखा दिए। वहीं साथ साथ राइट फॉर अस में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी कि किस टॉपिक पर आप आर्टिकल लिख सकते हैं, क्या मेरे वेबसाइट्स के स्टेट्स हैं, और कौन से टॉपिक आप अगर आप चुनते हैं तो आपके अप्रूवल रेट बढ़ जाएगा। वहीं साथ आपके सामने और भी जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर टॉपिक की लिस्ट है कि किस पे आप आर्टिकल लिख सकते हैं। वहीं साथ साथ टर्म्स एंड कंडीशन भी आप जरूर पढ़िएगा अपने आर्टिकल सबमिट करने से पहले, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और आर्टिकल लिखने के बाद आप मेरे को इस मेल पे अपना आर्टिकल जो है वो मेल कर सकते हैं TXT के फॉर्म में। अगर सारी चीज़ अच्छी रही तो मैं ज़रूर आपके पोस्ट को पब्लिश करूँगा अपनी वेबसाइट पर, इससे आपको डू फॉलो बैक लिंक मिल जाएगा। सो गाइज अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आता तो आप सिंपली यूट्यूब पर आकर लिख सकते हैं फ्री वेबसाइट ट्रैफिक FT थॉट्स। तो जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके सामने बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी जिनको देख के आप अपने वेबसाइट पे फ्री वेबसाइट ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, अपने वेबसाइट का रेवेन्यू जो है वो इसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप इसका जरूर यूज करें, आप हमारी वीडियोस को जरूर देखें। वहीं साथ साथ गाइज अगर आप अपने वेबसाइट पे बैकलिंक्स बनाना चाहते हैं, आपके वेबसाइट पे बैकलिंक्स नहीं है, किसी पोस्ट को रैंक करवाना चाहते हैं, तो सिंपली यूट्यूब पे आके बैकलिंक्स FT थॉट्स लिख दे। सो गाइज यहाँ पर हमने पूरा प्लेलिस्ट बनाया जिसमें आपको 44 वीडियोस मिल जाएंगी जो कि बैकलिंक से रिलेटेड है, तो इससे आपको काफी ज्यादा जो हेल्प है वो हो जाएगी। वहीं साथ साथ गाइज अगर आपको अपने वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए लो कंपटीशन कीवर्ड्स चाहिए तो सिंपली यूट्यूब पे आके लो कंपटीशन कीवर्ड्स FT थॉट्स लिख के सर्च कर सकते हैं। तो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा जो लो कंपटीशन कीवर्ड्स की वीडियो मैंने अपलोड की है, और पर वीडियो में आपको 5 से 6 लो कंपटीशन कीवर्ड्स मिल जाएंगे, और अगर आप सारी वीडियोज़ को देखते तो आपको 50 से 60 लो कंपटीशन कीवर्ड्स मिलेंगे, जिसका यूज़ करके आप अपने वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं और अच्छा खासा जो रेवेन्यू है उसे भी जनरेट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज़।